वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी, आई एम किरण पटेल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 16 रा, जिसका यूज़ दो टाइप से होता है, एक रेफ में और एक पदेन में। संयुक्त शब्दों में रा का प्रयोग दो तरह से होता है, एक होता है रा रेफ के रूप में और एक होता है रा पदेन के रूप में। जब रा का उच्चारण व्यंजन से पहले होता है तो तब वहाँ पर रेफ लगता है, और जब रा का उच्चारण व्यंजन के बाद होता है तो वहाँ पर पदेन लगता है। जैसे रेफ के रूप में अगर यूज़ करेंगे तो वो होगा का और माँ, और माँ के ऊपर ऐसा एक मात्रा लग जाएगी तो वो हो गया रेफ। और पदेन में और जैसे ग्रह लिखेंगे तो गा, और गा में एक नीचे ऐसी मात्रा लग जाएगी और हाँ, तो हो जाएगा ग्रह। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें लिखना है सर्प, तो पहले हम लिखेंगे सा और पा, ऊपर रेफ लगा देंगे, रेफ हमेशा ऐसी लगती है इस साइड, तो वो हो जाएगा सर्प, और वो उसका जो उच्चारण है वो रेफ में होगा। और पदेन में जैसे हमें लिखना है ग्रह, तो गा और गा में नीचे पदेन लग जाएगा और हाँ, तो हो जाएगा ग्रह। तो जब व्यंजन के बाद होगा तो वो हो जाएगा पदेन, और व्यंजन के पहले होगा तो वो हो जाएगा रेफ। ओके, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय।